नमस्ते मित्रों, पंडित जी को मैं लास्ट 25 सालों से जानता हूँ और जब जब तकलीफ में आया हूँ पंडित जी ऑलवेज ब्लेसिंग्स और सलाह देते हैं और जो भी पंडित जी बोलते हैं वो हम एक श्रद्धा के अनुसार हम उसको अपनाते हैं और हम हमेशा जो पंडित जी बोलते हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी से। ऐसे ही अभी अभी मैं मेरी बर्थडे थी 16 नवंबर को और 15 नवंबर को मुझे कोविड डिटेक्ट हुआ था। कोई सिम्टम्स नहीं था, सिर्फ पैरों में जलन होती थी और एक दिन का बुखार आया था। तो मुझे लगा मुझे इमिडिएटली टेस्ट करवाना चाहिए। मैं नेक्स्ट डे रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया और उसमें मुझे कोरोना पॉजिटिव आया। मेरा सिटी स्कोर सिर्फ 2 ही था तभी, तो आई वाज नॉन स्प्रेडेबल दैट टाइम। और माय मदर इज 84 इयर्स ओल्ड, एट वो घर में ही थी। और मेरी वाइफ का भी बड़ा ऑपरेशन हुआ था तो उनको मैंने कंसल्ट किया नहीं, सीधा मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और सीधा पंडित जी को फ़ोन लगाया उसी दिन। पंडित जी बिजी थे लेकिन रात को उनका फ़ोन तुरंत आ गया था और उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाप वगैरह देता हूँ आपको, वो करते रहना सूर्यास्त के बाद, और मैं उसी को फॉलो कर रहा था। 7 दिन तक मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं आए और लेकिन डॉक्टर वॉज गुड इनाफ टू टेल मी दैट 7 दिन के बाद ही पता चलता है कि क्या होगा। और अचानक मेरी तबीयत एकदम बिगड़ गई और मुझे एकदम फोर्स से कोरोना का हमला हुआ। पंडित जी को मैंने SOS फ़ोन लगाया, उनको सब ब्लड रिपोर्ट वगैरह का बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो पंडित जी बोला कि आपको जो भी मैंने मंत्र दिए हैं वो आप उसको सूर्यास्त के बाद में करते रहो, मैं यहाँ पूजा आपकी चालू करवाता हूँ और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपको 3-4 तारीख को आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, वो मेरी गारंटी है। मैं एकदम पॉजिटिव थिंकिंग लेके भगवान का नाम देता था और हमेशा पंडित जी बोलते थे वो फॉलो करता था। और सही में 2-3 दिन जाने के बाद उन्होंने मुझे रेंडेविर और टॉक्सिसिलिन नाम का इंजेक्शन दिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ था और मुझे 2 दिन ऑक्सीजन लगाया गया लेकिन मुझे ICU में शिफ्ट नहीं किया उन्होंने। आई वॉज वेरी मच अलर्ट डेट टाइम ऑल्सो और मेरी पूजा पाठ चालू थी तब, और जैसे पंडित जी बोलते गए ऐसे मैं करता रहा। अचानक मिरेकल हुआ, सेकंड टाइम भी जब रिपोर्ट निकाली तो पॉजिटिव ही पाया गया। फिर भी मैं अपने इरादे में कामयाब और मजबूत था और सेम पंडित जी के ट्रीटमेंट में फॉलो कर रहा था। वो भी डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहे थे, उनको डॉक्टर से भी मैंने बात करवाई थी। उसके बाद में ये इंजेक्शन पूरा होने के बाद में मैं एकदम स्वस्थ हो गया। मुझे फिर मेरा ब्लड रिपोर्ट वापस निकाला गया, मैं ऑलमोस्ट 20 डेज हॉस्पिटल में था। 21st डे को मैं पंडित जी ने देख दिया था, उसी डेट पे मैं बाहर आ गया, मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई हॉस्पिटल में कोरोना की और मैं बिल्कुल स्वस्थ होके निरोगी होके घर पे गया। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं एकदम स्वस्थ फील कर रहा हूँ अपने आप को। मैं पंडित जी के ऑफिस में आया हुआ हूँ तो मैं आपके सामने यही दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना के लेकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ काम करना है और जो ईश्वर ने करना है वो ईश्वर अपना उसका काम करेगा। लेकिन पूजा पाठ में इतनी ताकत है कि वो मैंने मेरे अपने आप में देखा है। मैंने मेरे रूम में भी ओम नमः शिवाय का जाप चालू रखा था और
वहाँ पे एक दिन मिरेकल हो गया, एक वार्ड बॉय आके मुझे बोलता है कि सर आपने तो इधर मंदिर बना दिया है, तो हॉस्पिटल है ही नहीं, आपके रूम में एंटर होता हूँ तो मुझे इधर पॉजिटिव थिंकिंग ही आता है। और रोने लग गया, बोला यहाँ मैं शंकर भगवान को देख रहा हूँ, बोलता है। अचानक से उसको क्या हो गया एकदम, बोला सर आप एकदम स्वस्थ होके जाएंगे, मैं मेरा 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 एकदम हृदय से मेरी प्रार्थना है आपको, बस वही मन में लेके मैं एकदम स्वस्थ होके 9 दिन आराम किया। पंडित जी ने मुझे 22 तारीख को यहाँ बुलाया था, मैं 22 तारीख को आज हाजिर हो गया हूँ पंडित जी के सामने, और मैंने पंडित जी को बोला कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, क्षमा करना मुझे, बस ऐसे ही भगवान की प्रार्थना करते रहूँ। और पंडित जी ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहे हमेशा, और उसके आशीर्वाद से आज सब कुछ, क्योंकि वो मेरे मैसेंजर है, भगवान को ही मैसेज पहुंचाते हैं, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, बस ये दुआ है आप लोगों की और सबकी, और मैं आज एकदम स्वस्थ होके यहाँ पे बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच।